हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। गाइस हम लोग भी सब बढ़िया हैं। गाइस आप सब लोगों से, मेरे पूरे भारतवासियों से, मेरे पूरे उत्तराखंड वासियों से ये मेरा ये निवेदन है कि अंकिता को न्याय दिलाने में हम सबका सपोर्ट कीजिए। पूरे अंकिता पूरे उत्तराखंड की बेटी थी, हमारी बहन थी, किसी की बेटी थी। गाइज उसके कातिलों को सजा दिलाने में हम सबका साथ दीजिए। हम सब उसका साथ देंगे, तभी अंकिता को न्याय मिलेगा। जब उन सालों को फांसी के तख्ते पे ले जाएंगे, उनको फांसी चढ़ेगी, तभी हम सब लोगों की आत्मा को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। नहीं तो अगर अभी इसको यहाँ पे नहीं रोका जाए तो आगे हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें हैं, उनके साथ भी यही होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो ये हत्या का मामला हुआ है, जो अंकिता के साथ हुआ है, वो अब कभी किसी बेटी और किसी बहन के साथ ना हो। इसीलिए मेरी PM से लेके गांव के प्रधान तक ये गुजारिश है कि उसको सपोर्ट दिलाए और उसको न्याय मिले, अंकिता को न्याय मिले। और अब आज माँ कालरात्रि का दिवस है, इसीलिए माँ काली से भी मैं प्रार्थना करूँगी। हे माँ काली, उसकी आत्मा को शांति देना और उसके गुनाहगारों को, जो भी उसके कातिल है, चाहे वो जो भी उसमें शामिल होगा, जो भी बराबर का हिस्सेदार है, उन सबको सजा मिले, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जब उन पे गुजरेगी ना, तभी उन्हें पता चलेगा कि क्या होता है। ऐसा सालों को ऐसे फांसी के ऐसे जिंदा जला दे सालों को, उनकी रूह भी काम जाए, कमीनों को सालों हमारे। इसीलिए गाइस उसका सपोर्ट कीजिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसी उसके कातिल नहीं छूटे। अगर अभी उसके कातिल छूट जाएंगे तो हजारों लाखों कातिल ऐसे गुनहगार पैदा हो जाएंगे। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से, चाहे वो शासन से हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, उन लोगों से निवेदन है कि उसको न्याय दिलाने में सपोर्ट कीजिए और उन लोगों को फांसी के तख्ते पे जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जाए। ना कोई कोर्ट कचहरी हो, ना कुछ हो, एकदम फांसी का ऐलान होना चाहिए कि उनको फांसी मिले। गाइज अंकिता मामले में प्रशासन, राजनीति और कोई भी दल इसमें राजनीति ना करे और अंकिता को न्याय दिलवाएं और सबका सब उसका सपोर्ट करें उसे न्याय दिलाने में। शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी लोग है, इसमें बिल्कुल भी लीपापोती ना करें और सही का साथ दे। ये अंकिता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, उसे न्याय दिलाने के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए दीदी, बोलिए। सभी भाई बहनों तो हमारे नमस्कार है। भाई बहनों आप सब सही, हमारा बड़ा अपील से कि जब तक अंकिता सजा नहीं मिला ली तब तक शांत नहीं बैठो और समय समय पर ये आवाज उठाओ रहे, तब तो ये आवाज दबनी नहीं चाहिए ना, बुलंद होनी चाहिए आवाज। अंकिता बेटी बहुत गलत आई, राक्षस तक जब तक फांस नहीं मिली तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।